इसे बेटर स्किप दिखाओ. अद्भुत, अनबिलीवेबल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ये अल्फाज अगर आईपीएल को डिस्क्राइब करें तो इसमें कोई बात गलत नहीं होगी. नॉर्मली फाइनल के अंदर दो टीमें खेलती हैं, जैसे कि सीएसके वर्सेस जीटी, लेकिन नहीं, आईपीएल के फाइनल में तीन टीमें खेलती हैं दोस्तों. एक सीएसके, दूसरी जीटी और तीसरा बारिश. बारिश बोल रही है भाई तुम लड़ो कप के लिए, लेकिन मैच करवा के दिखाओ. मैं मच. तो गाइस दिस इज अनदर वीडियो, और बहुत ही अरसों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ. मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं दोबारा कैमरे के सामने बैठा हूँ. पता नहीं क्यों, वो क्रिकेट का सीजन चल नहीं रहा तो बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया, एंड देन फिर काम धंधों में इतने बिजी थे तो आईपीएल के और केकेआर भी निकल गया था, तो फिर हमारा जो है ऑफ सीजन हो गया. लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आईपीएल फाइनल पे वीडियो आएगी, एंड व्हाट अ फाइनल गाइस. आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा फाइनल ना हुआ है, नहीं हुआ. कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई स्क्रिप्टेड है. अब भाई खुदा जाने, गॉड नोस कि स्क्रिप्टेड है नहीं, लेकिन जो हरकतें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड वाली तो हुई हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू. लेकिन गॉड नोस स्क्रिप्टेड है स्क्रिप्टेड नहीं है. बहुत सारी मज़ेदार मीम्स हमारे रेडी हैं, हम देखेंगे उसको. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैच रिव्यू मैं अपना दे दूँ. अनबिलीवेबल आईपीएल फाइनल, दो दिन ये आईपीएल फाइनल चला, और बारिश से मेरी ये दुआ थी कि भाई उन फैंस का सोच लेते, भाई बेचारे फैंस जो है इतनी बारिश में. और दाद देता हूँ मैं इंडियन क्रिकेट फैंस, आईपीएल के फैंस, सीएसके के फैंस, जीटी के फैंस, जो दोबारा स्टेडियम के अंदर आए और दोबारा जो है मैच देखने आए. और आउटस्टैंडिंग क्राउड, वंस अगेन फुल पैक जैम क्राउड था. एंड फीलिंग सैड फॉर जीटी, बट काइंड ऑफ फीलिंग हैप्पी फॉर एमएस धोनी द लेजेंड. आई थिंक उसका आखिरी आईपीएल है, इफ आई एम रॉन्ग कॉम्पिटिशन बताना मुझे. तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ एमएस धोनी के. लेकिन जिस तरीके से ये फाइनल हुआ है, टू बी ऑनेस्ट विद यू एज अ क्रिकेट फैन, आई थिंक जीटी का पूरा फाइनल था, बहुत ही क्लियर कट फाइनल था. कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, वो स्क्रिप्ट रिलीज लीक भी हो गई थी, कुछ मीम्स वगैरह आ रही थी, वो जो बोर्ड में चेक करते हैं ना कि भाई जीटी रनर अप्स मुबारकबाद कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल, तो वो पहले डे में सीएसके रनर अप आ गया, दूसरे मैच दूसरे दिन में जो है जीटी रनर अप आ गया. तो आई डोंट नो मैन, गॉड नोस कि स्क्रिप्टेड है स्क्रिप्टेड जो भी है. लेकिन ये बता दूँ मैं आप लोगों को, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई स्टेडियम छोटा है और फ्लैट पिच है, देखो यार फ्लैट पिच स्टेडियम पिच दोनों टीमों के लिए थी, ठीक है. अब देखो ना, अगर हाँ ये भी मैं बोलूँ कि अगर वो बारिश का सीन नहीं होता और पूरे 20 ओवर का गेम खेलने को मिलता तो जीटी का बल्ला भारी था. ऑब्वियसली उन्होंने 200 समथिंग रन मारे थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी. लेकिन वो एक को कहते हैं ना कि बारिश हुई थी बीच में, कि बहुत बड़ा गैप आ गया, गैप में वो फ्लो टूट जाता है, और वही हुआ जीटी के साथ इन माई ओपिनियन, कि उनका फ्लो टूट गया, दे ड्रॉप क्रूशल कैचेस. और लेकिन काइंड जो है उनके रन भी कम हुए, 15 ओवर का मैच हो गया, 170 समथिंग रन बनाए थे, और आई थिंक वो सी एस के की लक थी. एंड अनबिलीवेबल एफर्ट बाय रविंद्र जडेजा, अंबेदी रायडू और जुनजुन के बाद नाम है इसका, आउटस्टैंडिंग बैटिंग दोनों तरफ से, बैटिंग आउटस्टैंडिंग थी. और जो बॉल आ रही है छक्का चौका हो रहा है वो, और एक बेहतरीन आईपीएल का फाइनल, सुपर इंटरटेनिंग आईपीएल का फाइनल, दिलों को थामने वाला आईपीएल का फाइनल, और ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने वाला आईपीएल का फाइनल देखने को मिला. और आईपीएल की तारीख में ऐसा फाइनल हमें देखने को ही नहीं मिला. फीलिंग वेरी सैड फॉर जीटी वंस अगेन. आई एम, क्योंकि मैंने आरसीबी को, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था आरसीबी जीत के लिए, आरसीबी टूर्नामेंट से बाहर हो गई, फिर मैंने बोला जीटी जीतेगी. लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि आईपीएल में लोग ट्रॉफी के लिए नहीं खेलते, लोग खेलते हैं कि फाइनल में सीएसके को कौन हराए. सीएसके फाइनल में होता ही होता है. तो सीएसके ने दिखा दिया व्हाई दे आर द बेस्ट, एंड नाउ दे आर इन द सेम लेवल एज मुंबई इंडियंस. 5 ट्रॉफीज उनकी हो गई हैं, और फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर रविंद्र जडेजा एंड एमएस धोनी. बहुत ही अच्छा आईपीएल उनका था सो फार, बहुत ही अच्छा ग्राफ चल रहा था. एंड काइंड ऑफ वो जो छक्का जो लग गया उसमें मोमेंटम डाउन हो गया था, मोहित भाई की बॉल पे छक्का जो रविंद्र जडेजा ने मारा वो आउटस्टैंडिंग था. वो सारा प्रेशर जो है ना जो था, क्योंकि देखो दो बॉल पे 10 रन बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट देन एक बॉल पे चौका. एक बॉल पे चौका फिर भी लग जाता है, क्योंकि आप जब छक्का लगाते हो तो आपको एक प्रेशर आता है, एक मोमेंटम जो है आपका बढ़ जाता है, मोटिवेट हो जाते हो. एंड देन द लास्ट बॉल इज़ लाइक, क्या था मुझे समझ में, आप फुल टॉस करा दी लास्ट बॉल पे, फुल टॉस करा दिया विद जस्ट अ टच. एंड जो शॉट फाइन लेग खड़ा हुआ था वो भी जो है हल्का सा हिला भी नहीं, उतनी फाइन बॉल, उतनी तेज़ आउटफील्ड थी कि वो गोली गई बॉल, चौका हो गया, और बेहतरीन इनिंग्स रविंद्र जडेजा ने, और सीएसके को इन्होंने एक 5वां आईपीएल उन्होंने जिता दिया. चलिए जी मीम्स देखते हैं, बहुत सारी मज़ेदार मीम्स हमारे लिए वेट कर रही है. आइए इसे बेटर स्किप दिखाओ. दिस आईपीएल 23 इज ऑल सेम लाइक पीएसएल 23, दे कॉपीड पीएसएल फ्रॉम ए टू जी. Opening ceremony was copied from PSL. Group matches were copied from PSL as matches were going to till last ball. Today final was copied from PSL. Almost same score in the last over of IPL final over the in the last over of PSL. यार ये थोड़ा सा controversial topic है. PSL के fans बोल रहे हैं IPL scripted है. जब IPL होता है तो वो कहते हैं कि छोटी boundaries हैं, flat pitches हैं.
आई डोंट नो, गॉड नोज, लेकिन जो भी है मीम्स मजेदार है. आई लव यू, आई लव यू मोर, मोर देन हिम, यस, हु इज दिस किंग है यार, वहां का भी किंग है, थोड़ा सा इज्जत कर लिया करो, ये तो कुछ ज्यादा. शाउट आउट टू स्पोर्ट्समैन सेलिब्रेटिंग देयर अचीवमेंट विद देयर स्पाउस, गॉट टू बी माई फेवरेट जेंडर. अस वैन, आई डोंट नो, मे बी आपको विराट कोहली ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी, मैसी ऐसी फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, रोनाल्डो जितने गोल मारने पड़ेंगे और रविंद्र जडेजा जितना एफर्ट मारना पड़ेगा, आखिरी पे दो बॉल पे छक्के चौका मारना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे सेलिब्रेशन कर सकते हो. माही भाई, हम दोनों के पास 10 ट्रॉफीज हैं, एक ट्रॉफी कोहली को भी बीच में. मुझे पता था आने वाला है. इट्स ऑल्सो लाइक अनबिलीवेबल के आर सी बी हो गया, किंग्स इलेवन पंजाब हो गया और दिल्ली कैपिटल्स हो गया, जो सीजन वन से अभी तक 15 साल हो गए और एक ट्रॉफी भी नहीं चाहिए. इट्स अनबिलीवेबल मैन. देर इज एन इम्पोस्टर अमॉन्ग अस, गैकवर्ड, दुबे, कॉनवे, रिहाने, रायडू, एम एस धोनी. एम एस धोनी तो पहली बॉल पर आउट हो गए थे, जडेजा 15 रन बनाए 6 बॉलों पर, यार आउटस्टैंडिंग. स्ट्राइक रेट 250, वाओ. जडेजा ले गया भाई फाइनल, वेल डन यार. यूजलेस रन 973, 890, गुड नीट. आई डोंट से गुड यूजलेस रन, वो आईपीएल से अच्छी खासी इनकी प्रैक्टिस हो गई है, वर्ल्ड कप में दिखाएंगे आपको कितने यूजलेस है. आई टोटली सपोर्ट दिस टू, शुभमन गिल एंड विराट कोहली, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये फाइनल के अंदर जो ना तबाही तोड़ बैटिंग करेंगे. आई होप कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो, तो ही बेहतर है. जय शाह एंड इज अर्ली सेलिब्रेशन. वंस अगेन जय शाह के ऊपर बहुत भारी पड़ी सेलिब्रेशन उनकी. एक अहद था जो तमाम हुआ, लेजेंड एम एस धोनी, जबरदस्त भाई. एम एस धोनी वाहिद क्रिकेटर है, आई डोंट थिंक कि कोई हेटर होगा पूरी दुनिया में, आउटस्टैंडिंग. ओनली इंडियन क्रिकेटर आई लव, बस माही तुम्हारा वर्ल्ड कप 19 वाला हमारे नहीं बोलूंगा मैं, बाकी पाकिस्तानी फैंस बी लाइक. 10 फाइनल्स, 5 टाइटल्स, कैप्टन कोल, माही नंबर 7, ये द क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ आईपीएल. हीरो ऑफ द मूवमेंट रविंद्र जडेजा भाई, 5th ball 6 इज आउटस्टैंडिंग. ये कमेंट भी आया है काशिफ खान का, बहुत ही जबरदस्त जो छक्का मारा है ना, जिससे आप मोरल जो उसका अप हुआ है, ओए ओए लेवल. हाँ भाई, हाँ पांड्या करवाया, आज समझ आएगा तुझे कितना दुख होता है जब अपनी टीम 4 में 54 डिफेंड ना कर पाए. अये हाय, दिल की बात, उमर बेग ने छेड़ दिया भाई, ओए ओए ओए. पाकिस्तानी वॉचिंग आईपीएल भी बहुत अच्छे. MSD just did a peak Kohli in knockout moment. ओए ओए, जो बात है भाई, peak X, peak Kohli and peak Haider Ali, richest cricket board in the world. ये मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब कि इतना पैसा IPL में है और जो lords में जो मशीनें चलती हैं वो आपके पास मशीनें क्यों नहीं है भाई, come on. Alright guys, this is the video of IPL 2023 final match review and memes review. बड़ी मजेदार की memes थी, outstanding game देखने मिला. और in the end मैं बस ये बोलूंगा कि अगला क्या एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, लेकिन अच्छा आईपीएल हुआ. अपनी टीम नहीं जीती, केकेआर नहीं जीती, लेकिन कोई बात नहीं, केकेआर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. लेकिन आई वुड से कि चलो डिजर्विंग टीम जीत गई, दोनों टीमें डिजर्विंग थी. प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने कहा था कि जीटी और सीएसके आएंगी टॉप 4 में, वो टॉप 4 में आई एंड दे वॉन. अनफॉर्चुनेटली आरसीबी का मैंने प्रेडिक्शन की थी कि वो आईपीएल जीतेगी, वो नहीं जीती. वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में नहीं होता वो कुछ भी कर ले, वो फाफ डुप्लेसी खरीद ले, वो बड़े से बड़ा बॉलर ले ले, स्टार्क हो जाए, कोहली खरीद ले. आरसीबी से बस यही गुजारिश है कि आप अपने बैग पैक करें. नहीं, डिजर्विंग टीम जीती है, फीलिंग सैड फॉर जीटी बट फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर एमएस धोनी एंड सीएसके. मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय.